हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारे सीईटी ग्रुप सी मेंस का जो एग्ज़ाम है उसको लेकर कोर्ट में केस चला हुआ है, आप सबको पता है। और ये जो केस है ये नवीन कुमार एंड अनदर, मतलब और भी बच्चे होंगे साथ में, और लड़के होंगे लड़कियां, स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अनदर प्रेजेंट जो यहाँ पे एडवोकेट हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंकुर सिद्धार, जो कि पिटिशनर्स के यहाँ पे एडवोकेट हैं। पिटिशनर्स मतलब और भी हैं, सिर्फ एक सिंगल ये नहीं है, नवीन कुमार नहीं है, और भी हैं। नोटिस ऑफ मोशन, मोशन मतलब नोटिस अभी गतिविधि में है, नोटिस रिगार्डिंग स्टे एज वेल, कि जो ये स्टे है ना ये लगा रहेगा अभी। मिसेस श्रुति जैन गोयल जो कि डिप्टी एडवोकेट जनरल हरियाणा, इन्होंने एक्सेप्ट किया है नोटिस ऑन द बिहाफ ऑफ रेस्पोंडेंट एंड सिक्स टाइम टू फाइल रिप्लाई टू रिट पिटिशन। उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा है कोर्ट से और उन्होंने फाइल के रिप्लाई के लिए, जो पिटिशन ने फाइल लगाई है या जो भी केस किया है उस पर थोड़ा सा टाइम मांगा है और अभी स्टे बरकरार है। एट अ रिक्वेस्ट, उनके रिक्वेस्ट पर एडजर्न किया गया है 8 तारीख को, इसी महीने की 8 तारीख को यहाँ पर सुनवाई होगी। टू बी टेकन इमिजिएटली आफ्टर द अर्जेंट केसेस, इसको अर्जेंट केसेस के बाद इमिजिएटली इसी पर विचार किया जाएगा। और ये हमारे जो जज हैं रामचंद्र राव और सुखविंदर कौर, ये जज हैं, ये जो हैं इनके पास है ये केस। तो 8 मई को तारीख लगी हुई है और ये स्टे है आपका क्वालिफाई करने के लिए, कि भाई सीईटी को क्वालिफाई किया जाए, ना केवल ये कि 4 गुना ही बच्चों को बुलाया जाए। इससे क्या होगा कि जिन लोगों का क्लियर भी है वो भी रह जाएंगे, मेंस में नहीं बैठ पाएंगे, तो सब लोगों को बराबर मौका दिया जाना चाहिए। और ये सीईटी पर जो स्टे लगा हुआ है कोर्ट की तरफ से, ये उसके बारे में नोटिस है। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आई विल ड्रॉप डाउन द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो, सो दैट यू कैन ईजिली ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।